संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला लगा हुआ है, जहां रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और यहीं माघ मेला में जो महाकिचन है वो आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस किचन में हर रोज 50,000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। इस किचन के बर्तन छोटे छोटे कमरों से भी बड़े हैं। इस किचन में श्रद्धालु निःशुल्क भोजन पाकर जितने खुश होते हैं उतना ही यहाँ के किचन को देखकर हैरान भी हो जाते हैं। कैसा है ये किचन और क्यों हम कह रहे हैं इसे महाकिचन? रिपोर्ट देखिए। गंगा का स्नान हो, शाही भोज और पकवान हो, एक श्रद्धालु को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। प्रयागराज के माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु को भोजन कराने के लिए एक भव्य किचन तैयार की गई है। इस किचन में हर रोज 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का भोजन तैयार किया जाता है। श्रद्धालु यहाँ मिलने वाले निःशुल्क भोजन को पाकर जितने खुश होते हैं उतना ही यहाँ के किचन और उसके इस्तेमाल में होने वाले बर्तनों को देखकर हैरान होते हैं। कई श्रद्धालु तो बड़े बड़े कड़ाहों और बर्तनों को देर तक निहारते रहते हैं, क्योंकि कुछ बर्तन तो छोटे कमरों की साइज से भी बड़े होते हैं। इन बर्तनों में पानी डालने के लिए इनके ऊपर सीधे नल ही लगा दिया जाते हैं। मेले में इस तरह से तैयार किए गए इन अनूठे किचन में हर रोज हजारों लोगों का भोजन तैयार किया जाता है। तो कभी 1,00,000 से भी ज्यादा का किचन में आटा गूंथने के लिए रोटी लगाने तक की मशीनें लगी हुई हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ का मेला लगा हुआ है, जिसमें रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर स्नान करने, आस्था की डुबकी लगाने और पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तमाम संस्थाएं यहां इस मेले में सेवा कार्य करती हैं। इसके साथ साथ तमाम संत महात्मा ऐसे होते हैं जो भंडारे चलाते हैं, जो भूखे लोग होते हैं उनका पेट भरते हैं। इन्हीं में एक है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय संस्था के बारे में बता दें कि पूरे माघ मेला क्षेत्र में रोजाना इनके यहाँ से तकरीबन 50,000 लोगों का पेट भरा जाता है। निःशुल्क की पूरी व्यवस्था होती है, लोगों को सम्मान के साथ बिठाया जाता है, उनको बर्तन में जो है वो खाना परोसा जाता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग व्यंजन परोसे जाते हैं। और किस तरह से ये व्यवस्था की जाती है ये हम आपको दिखाते हैं। बड़ा सा जो है माघ मेला क्षेत्र में कई जगह पर बड़ा सा रसोई घर बनाया गया है। माघ मेले में भंडारा सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, और इस विशाल किचन के जरिए ये काम ओम नमः शिवाय नाम की संस्था कर रही है। मेरा नारा है, न कोई भूखा सोने पावे, न कोई भूखा रोने पावे, न कोई भूखा जाने पावे। रह गई व्यवस्था तो हमारे कम से कम 2 करोड़ अनुयायी हैं, उनसे केवल मैं एक एक मुट्ठी, दो दो मुट्ठी, तीन तीन मुट्ठी अनाज मांगता हूँ, तेल मांगता हूँ, हर चीज़ औनी की व्यवस्था से। भोले बाबा की तो सबसे बड़ी व्यवस्था है इतना बड़ा भंडारा कर। खाना बनाने के लिए 100 रसोइये दिन रात काम करते हैं और समय समय पर जयकारे भी लगाते हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ भरपेट खाना परोसा जाता है, और जो श्रद्धालु खाना अपने साथ ले जाना चाहते हैं उन्हें पैक करके भी दिया जाता है। शिव के बारे में तो जो कहा जाए वो बहुत कम है, उसके लिए तो बहुत महान कृपा है ईश्वर की, शंकर भगवान की। और ये ओम नमः शिवाय ये भंडारा चल रहा है, सतत चला रहे हैं, इसके लिए तो कोटि कोटि अगर प्रणाम किया जाए तो कम है। क्या कहना है? जी, भोजन बहुत अच्छा था, बहुत मतलब प्रेमी भोजन था, जो मतलब हमारे इतना तो कोई सेवा नहीं करता, मतलब हमारे जो इतनी जो कार्यकर्ता लोग हैं इतनी खाना अच्छा खिलाएं, और मतलब वो महंत का क्या करें जो मतलब सबको मतलब जो जाओ जो भी मतलब जो अभी आते हैं भक्त लोग जो भोजन करके तब आराम से जा रहे हैं। इस रसोई में हर दिन अलग अलग मेन्यू होता है। खाने की क्वालिटी ठीक हो इसके लिए संस्था के प्रमुख लाल महेंद्र सिंह खुद निगरानी करते हैं। श्रद्धालुओं को भोजन कराने के लिए ओम नमः शिवाय संस्था को 5 जगहों पर कैंप दिए गए हैं। नॉनस्टॉप 24/7 चलने वाली ये किचन पूरे माघ मेले के आकर्षण का केंद्र है। माघ मेले में जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ भोजन जरूर करते हैं। जो
संस्था है, संस्था बहुत नेक काम करती है, रोजाना हजारों जो लोग हैं श्रद्धालु हैं उनका पेट भरा जाता है और निःशुल्क पूरी व्यवस्था होती है और पूरे साल इसकी तैयारी चलती है, लोगों के सहयोग से इस काम को अंजाम दिया जाता है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि माघ मेले में तमाम लोग सेवा कार्य करने के लिए आते हैं, तमाम लोग दान करते हैं, लेकिन किसी भूखे का पेट भरने से बड़ा शायद कोई दान नहीं होता है। और यही इसी बात को इस संस्था के लोग समझते हैं और पूरी लगन पूरी निष्ठा के साथ इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। हम भी इस संस्था के इस कदम की सराहना करते हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।